अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपका रिस्टॉकिंग माल आपको अपना दिखाऊंगी कि मेरा मटेरियल ख़त्म हो चुका था तो मैं बाय करके आई हूं, तो सब सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं, दिखाऊं। और अगर कोई ऑनलाइन परचेज करना चाहता है तो मस्ट कॉन्टेक्ट मी, बहुत ही मुनासिब कीमत में ये मटेरियल मिलेगा। देखिए, एक स्क्वायर शेप है और एक रेक्टेंगल, सर्कल और बटरफ्लाई शेप है एक्रेलिक शीट्स की। इसके अलावा फिश वायर, दो हैंडल्स एंड फोर रिंग अवेलेबल हैं जो कि इसको बैग के साथ अटैच करेंगे। और अगर आप में से कोई बाय करना चाहता है तो कांटेक्ट कर सकता है। फिर ये ज्वेलरी बनाने का मटेरियल है जिसमें बटरफ्लाई रिंग, चेन, कुंदन्स, लीव शेप, इस तरह के सारे अवेलेबल हैं। एंड उसके बाद ये एक बीडेड बैग कहा जाता है पर्पल कलर में। पर्पल कलर के बैग ज़्यादा चल रहे हैं मेरे, इसलिए ये थर्ड पर्पल बैग है जो कि मैंने मंगवाया है। उसके बाद ये ब्लू, रेड, पर्पल, ब्लैक और फिर से मेरा पर्पल आ गया जो कि बैग में बनाने हैं। रेड मिक्स वाइट, इस तरह से मुख्तलिफ कलर, येलो, ऑरेंज, पिंक, काफ़ी कलर्स हैं। तो अगर बाय करने चाहते हैं तो मस्ट कॉन्टेक्ट किया करें, मुनासिब कीमत में आपको मिलेगा मटेरियल। इसके अलावा ये मार्बल शेप के हैं, ये मेरे स्टोन्स गिर चुके थे, इसको इकट्ठा कर रही हूँ। लड़ी हमारी पीच ब्लू, ये लड़ी है। उसके अलावा ये मार्बल जैसे स्प्राइजेस, मार्बल ड्रॉप शेप के, जो भी जिस तरह से भी कह लें, ये मार्बल कुंदने, मार्बल मोती हैं, लड़ियाँ हैं। इनके कलर कभी भी नहीं ख़राब होंगे और आपको बहुत ही मुनासिब कीमत पे मिल जाएंगे। ऑल कलर अवेलेबल हैं, टोटल 10 कलर हैं। अगर आप 10 कलर बाय करेंगे तो आपको रिजनेबल मिलेगा, और अगर आप सिंगल सिंगल बाय करेंगे तो भी आपको रिजनेबल ही मिलेंगे। और आप एक बार फिर देख लें इस तरह से, और अगर कोई बाय करना चाहता हो तो कॉन्टैक्ट करेगा, नंबर मैं लास्ट पे मेंशन कर दूंगी। एंड इसके बाद ये वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये आप परचेज कर सकते हैं ब्यूटीफुल सी आइटम्स, बैग्स बनाने की एंड मटेरियल बनाने की। वाह, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। मुझे तो ये मटेरियल बहुत अच्छा लगा क्योंकि मैं पैसे खर्च करके आई थी, और कस्टमर को भी पर्पल कलर के बैग बहुत पसंद आ रहे थे, और एक्रेलिक शीट के मेरे फर्स्ट ऑर्डर थे तो वो भी मैंने पाए किए हैं। और आपको होलसेल रेट पर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। चलिए अपने माल को एडजस्ट करते हैं। ये देखें, मेरी साड़ी खाली हो चुकी थी, स्टॉक मेरा ख़त्म हो गया था, इसलिए मैं अब इसको रिस्टॉक किया हुआ था। तो सबसे जो रिस्टॉक किया वो मैंने आपको दिखा दिया। और इसको फेस एडजस्ट करते हैं, बैकग्राउंड की वॉइस को इग्नोर कीजिएगा। इसके अलावा ये देखिए, इस तरह से हमने एडजस्ट कर लिया। ज्वेलरी बनाने का मटेरियल सब बॉक्सेस में डाल लिया, एक्रेलिक शीट वगैरह सारा कुछ, बीड्स, और इस तरह से ब्यूटीफुल सी आइटम्स ऐड। इस लिए हमारी वीडियो ख़त्म होती है। और ओके, हमारे ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह हाफिज़।